हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आसिफ बोल रहा हूँ, कानपुर से। नहीं, फोन किया था आपके पास पहले। भाई हाँ, कौन बोल रहा भाई? आसिफ हुसैन बोल रहा हूँ, कानपुर से। नहीं, आपके पास फोन किया था हमने। हाँ आसिफ हुसैन। हाँ बताएं परसों फोन किया था भाई। मुझे एक मसला जानना था कि हम एक बरेलवी से बहस कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि ये जो हम लोग चिल्ला करते हैं ये कहाँ साबित है। कौन सा चिल्ला, कौन हाँ, सा चिल्ला भाई? बोल रहे थे कि चिल्ला करते हैं तुम जब भी लोग निकल जाते हो और लोगों को जाके समझाते हो जाके, ये बोल रहा था। तबलीगी जमात वाला चिल्ला, वो हाँ 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 4 महीना। हाँ 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 वही बोला था कि लोग निकल जाते हो समझाते हो जाके। तो हमने कहा कि जैसे तुम्हारे में बाबा से मांग जब तुम बाबा से मांगते हो, अब बाबाओं से मांगना कहीं कुरान और हदीस से हवाले से साबित नहीं है कि कहाँ लिखा है कि बाबा से मांगो, कि तुम लोग काम दीन समझ के करते हो कि बाबा से मांग रहे हो। तो हमने भी उससे ऐसे बोल दिया कि जो तबलीगी जो जमात चिल्ला करते हैं वो दीन समझ के करते हैं, ये कहा था हमने। अरे भाई देखिए, बरेलवी लोग जब ये सब पूछते हैं ना कि कहाँ से साबित है, कहाँ से साबित है, तो अच्छा नहीं लगता है। समझ हाँ, अब रहे हैं? मतलब भाग खुद रहा है हमसे, 3 दिन से आरा पड़ा है व्हाट्सएप पे, अब भाग खुद रहा है और हमसे नहीं, बोल रहा है जो तुम भाग खुद रहे अगर मांग रहे हो। उसका अमल ऐसा हो कि जो वो हर काम कर रहा है वो बिल्कुल किताबो सुन्नत से साबित हो, उसके पास हाँ तमाम उसके भाई अमल की, चाहे वो हाँ तीजा हो, चालीसवा हो, छठी हो, चिल्ला हो, कूंडे हो, बरसी हो, 11वीं हो, 12वीं हो, ईद मिलाद, शबे बारात, इन सब की अगर उसके पास मेरे भाई दलील हो, सबूत हो, उसके हाँ बावजूद भाई अगर वो सामने वाले से कहे कि नहीं आपका अमल कहाँ से साबित है, तब तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई इसके हाँ जो हाँ सारे अमल है अलहमदुल्ला भाई किताबो सुन्नत से साबित है, हाँ इसलिए ये हमसे, हमारे भाई जो अमल है उसकी भाई हमसे मांग रहे दलील, तो अच्छा हाँ लगता है। लेकिन खुद एक अमल नहीं साबित, ठीक, बस सब कुछ मेरे भाई उल्टा। ये लोग पूछते ना कहाँ लिखा है कि उल्टा मना है, पूछते तो हैं, उल्टा वैसे आप पूछते हैं इनसे सर। और पूछिए कि 40 दिन जमात में जाना कहाँ लिखा है मना है, बस आप क्यों अच्छा, दलील देंगे? हाँ, बस उनसे पूछ रहे हैं कि जो आप 40 दिन उनसे जमात पूछिए में कहाँ जा पे रहे हैं। लिखा है मना है, अच्छा, जैसे वो पूछते हैं कि और कहाँ लिखा है हाँ कुंडे करना मना है, कहाँ लिखा है मतलब भाई जो ये 11वीं करना है मना है, तो हाँ आप उनसे पूछिए ना कहाँ लिखा है कि 40 दिन भाई वो जमात में जाना मना है। हाँ आपकी बार जब आगे तो पूछेंगे। और कल हमने इनके बाबाओं की जब पोल खोलना शुरू कर दी ना, तब देखिए, ऐसा बाबाओं की भागे पोल हैं। चलिए खोलते रहिएगा, एक जो मेन मुद्दे की बात है वो तो आपको बता दें। हाँ ये हाँ तो हो गया उनका, उनको जवाब आप देंगे, ठीक, हाँ वो अगर हाँ आप से पूछेंगे कि आप लोग तबलीगी जमात में जाते हो झोला टांग के, ये हाँ 40 दिन और 4 महीना कहाँ से साबित है, हमको दलील हाँ दो, तो आप हाँ उनसे पूछना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मना है, ये तो आप उनसे हाँ पूछेंगे। लेकिन हाँ एक्चुअल बात क्या है, असली बात क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 4 महीना जमात ने जाना, ये कुरान हदीस से साबित नहीं है, ठीक। हाँ ये एक भाई मतलब ये एक वो तरतीब है, नज्म है, ठीक है, कि हाँ हाँ भाई चलो 3 दिन जाएंगे, लोगों के पास टाइम कम है, तो चलो हाँ भाई महीने में कम से कम मतलब भाई 3 दिन, ठीक, साल में कम हाँ से कम 40 दिन, और जिंदगी हाँ में कम से कम एक बार 4 महीना, ये जाना हाँ ही जाना है, फर्ज है, ये अगर कोई हाँ सोचता है तो ये हो जाएगा बिदअत, ठीक। हाँ तो इंसान का इख्तियार है, वो जाना चाहे तो जाए, ना जाना चाहे तो ना जाए, लेकिन भाई हाँ जमात में जाना कुरान हदीस से साबित नहीं है, और ना ही सही है कभी आप। सहाबा हमारे जमात में जाते थे, तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी चीज, जमात में जाए, गैर जमात में जाए, स्कूल में जाए, कोचिंग में न जाए, कहीं पे भी जाए, 3 दिन जाए, 3 साल के लिए जाए, ये खाली देखिए कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम हो रही है या फजाइल अमाल की तालीम हो रही है, ये आप हाँ पहले चेक कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि आपको भाई वो नबियों वाला काम बता के जो अकाबिरों वाला दीन है वो आपको थोपा जा रहा हो, तो ये बहुत हाँ सावधानी आप कीजिएगा, ठीक। ठीक है। अब बोलिए, बाबा वाला क्या मैटर है? जब वो बोल रहे थे ना हमसे कि
कि तुम चिल्ला कहाँ से करते, तो हमने भी सवाल ठोक दिया कि तुम बाबा से मांगते हो ये कहाँ साबित है। और जब हमने इनकी बाबाओं की पोल खोलना शुरू कर दी तो भाग गया हमने। तो हमने कहा तुम्हारे जो बाबा हैं ये बताओ कब्र के अंदर ये जो कब्र है ये तुम्हारे बाबा पाक है या नापाक है। बोलते मतलब हमने कहा जो तुम्हारे कब्रें हैं बलियों की ये पाक है कि नापाक है। तो बोलता है पाक है। और हमने कहा अगर मैंने साबित कर दिया कि ये नापाक नापाक है तो बोलता है तुम जो कहोगे वो मैं मान जाऊंगा। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ एक मजार है नौ गजा पीर बाबा की, उस मजार के अंदर भाई अपू भाई उस मजार के अंदर औरतों का जाना मना है, उस मजार के अंदर औरतें नहीं जा सकती, आदमी ही जाएंगे। और साल में एक बार कवाली वहां पे होती है, उर्स होती है, तो बस जिस दिन उर्स होगी रात में उसी दिन अलाउ हो जाएगा कि औरतें कब्र के अंदर जा सकती हैं। अब हमें को ये बताएगा कि बाबा क्या आके ख्वाब में बता गए आके कि हाँ आज मेरा उर्स है, आज औरतों के आने की इजाजत है। चलो ये बात छोड़ो, औरतें तुम्हारी मतलब बाबा की सियासत करने नहीं आती हैं, दिखाते दिखाने आती हैं। और हमने उससे कहा कि अगर आप नेट पे सर्च करके देखें लिपस्टिक के बारे में तो लिपस्टिक में आता है कि लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, क्योंकि वो जो चर्बी होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, टाइट होती है, तो वो होंठों पर देर तक रुकती है और इसलिए औरतें उसे लगाती हैं। अब जब 365 दिन में 364 दिन नहीं गए, एक दिन अलाउ हुआ, तो उस दिन अलाउ होते हुए जैसे अलाउ हुआ कि औरतें अंदर जाएं, औरतें अंदर गईं और वही लिपस्टिक खिंजीर की चर्बी का मतलब उसमें टुकड़ा है। सुन रहे ना अपू भाई? हाँ सुन रहे हैं, बोलते हैं। हाँ, जो उस लिपस्टिक में उस खिंजीर की चर्बी का अंश है जिसके कारण वो लिपस्टिक टिकी रहती है। अब जब साल में एक बार अलाउ हुआ तो वो औरतें गईं बाबा के मजार पे और उन्हें उनके ऊपर हाथ रखा, सजदा किया, मजार को चूमा। अब जब खिंजीर बिल्कुल ही हराम है, इस्लाम में खिंजीर बिल्कुल हराम है, अब जब उसकी चर्बी होंठ पे लेके और बाबा को चूम रही हैं, तो तुम अब हमें ये बताओ वो बाबा पाक रहे कि ना पाक रहे। इस बात का जवाब नहीं दिया, भाग गया, हमें ब्लॉक कर दिया। दो दिन बाद हमें खोला, एक से एक नया सवाल पूछ रहा है। हमने कहा जो भाई हमने पूछा वो तो बताओ, तो बाबा नापाक है कि पाक है। हम कहे एक बाबा नहीं, हम तुम्हारे ऐसे बाबा की चर्चा कितनी पोले खोलते रहेंगे और बोल देंगे कि नापाक है, ऐसे हुई है नापाक की। तो वो चिल्ले के पीछे पड़ा है। तो हमने पूछा आपसे कि चिल्ले के बारे में क्या है क्या नहीं। भाई देखिए, ये तो कह रहा आपने जो उनको मतलब बताया, ये तो चलो एक मंतिक है, लॉजिक है, मंतिक लॉजिक। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे हवाले दिया कीजिए ना जिसके इनके बाप दादा भी इनकार ना करते हैं। जैसे इनसे कहिए कि आपके जो मेरे भाई जो पीर बाबा हैं वो मरने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने मतलब एक कब्र के अंदर से लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं। हाँ वाकई झूठ नहीं है ये, इनकी मोतबर जो इनके जो मतलब भाई जो बरेलवी मसलक की मोतबर भाई किताब है, ठीक है, महफूजात आला हजरत, उसके मेरे भाई पेज नंबर 283 और 284 पे मतलब एक मतलब भाई इनके पीर बाबा का किस्सा उतरा हुआ है, ठीक है, कि एक मतलब भाई पीर बाबा होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है गालिबन ये हजरत सैयदी अब्दुल वहाब, अकाबिर औलिया में से हैं, और ये जो है इनके मजार पर बहुत बड़ा एक बार होता है भाई वो मेला नहीं होता, उर्स मेला हुजूम होता है, उर्स मेला होता है, कवाली तो होती है। इस मजने मतलब इस जो मतलब भाई वो मतलब भीड़ भाड़ होती है मजने में, एक बार भाई एक ताजिर आ जाता है, ताजिर की जो आंख होती है निगाह होती है वो एक कनीज होती है उसके ऊपर पड़ जाती है, तो वो फौरन अपनी आंखों को भाई फेर लेता है, ठीक, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस में कि जो पहली जो नजर है वो तेरे लिए है और दूसरी जो नजर है वो तुझ पर है, यानी पहली नजर का कोई भी आपको मतलब गुनाह नहीं पड़ेगा और दूसरी नजर जो होगी उससे मेरे भाई आपको पड़ेगा गुनाह, यानी कि जानबूझ के
अगर कोई लड़की को आपने जानबूझ के दोबारा देखा कि हाँ बड़ी खूबसूरत है, तो उसका आपको मेरे में पड़ेगा गुनाह। अनजाने में देख ली, अपनी आंखों को नीचे कर ली, तो आपको उसका भाई कोई नहीं, अनजाने में पड़ गई तो खैर। इसमें आता है कि वो जो है मतलब जो ताजिर होते हैं उनको वो जो कनीज होती है भाई वो पसंद आ जाती है। ठीक, जब भाई वो मजार शरीफ के पास आते हैं, ठीक है, हाजिर हुए, तो मजार के अंदर से इशारत फरमाया, अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है। अर्ज किया कि हाँ, ठीक, अपने शेख से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। आप समझे, कब्र हाँ के अंदर जो इनके जो पीर हाँ बाबा बात है। हैं, ठीक है, हाँ दफन है, बुआ, वो हाँ अपने हाँ मानने वाले जो होते हैं मुरीद, उनसे मुरीद से पूछते बोल हैं रहे हैं। कि अब्दुल वहाब को कनीज पसंद है। अर्ज हाँ की हाँ, अपने शेख से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। इशारत हाँ फरमाया, अच्छा, हमने तुमको जो वो कनीज थी हाँ वो तुमको तोहफे में दे दी, हिबा कर दी। अब अच्छा आप सापूत में हैं, कनीज तो इस ताजिर की है, और हाँ हुजूर तोहफा फरमाते हैं, हिबा करते हैं, ठीक है, तो वो जो ताजिर होता है वो मतलब भाई एकदम भाई खुश हो जाता है। तो जो भाई वो होते हैं कब्र के अंदर पीर बाबा, वो हाँ कहते हैं कि अब्दुल वहाब अब देर कहे कि फला कमरे में जाओ, हुजरे में जाओ और अपनी हाजत को पूरी करो। माज अल्लाह, कब्र के अंदर से भी इतना पीर बाबा मेरे लिए जो गंदा। लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर हाँ कोई मुरीद है पीर बाबा का, मतलब बहुत मानने वाला है, और वो आता है उर्स में, और अगर वो किसी मतलब भाई औरत को पसंद कर लेता है, लड़की को पसंद कर लेता है, तो इनके पीर बाबा वो तो अपने मुरीद के एकदम भाई एकदम पास रहते हैं दिल के, तो वो हाँ दिल के हालात जान जाते हैं। तो पीर बाबा को अपने भाई मानने वाले जो थे, ठीक है, मुरीद, उनसे इतनी मोहब्बत थी, उन्होंने वो जो मतलब भाई कनीज थी, लड़की थी, उसको तोहफे में दे दिया, और खुलेआम मतलब भाई जिना की दावत दे रहे हैं कि अब देर काहेगी, जाओ फला कमरे में हुजरे में अपनी हाजत को पूरी कर लो। माजल्ला, अब बताइए। अब आपने हमें ये बताया है ना, अब हम ये ये आपका नोट कर लेंगे। 2005 में हाँ जो भाई छपी हुई है मलफूजात आला हजरत, हाँ दो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। हजार पांच में। चाहे तो हिंदी वाली भाई आप ले लें, चाहे उर्दू वाली ले लें, दोनों में भाई ये किस्सा मौजूद है, और कोई बरेलवी इसका इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी किताब नहीं है मलफूजात आला हजरत, क्योंकि छापने वाले बरेलवी, पढ़ने वाले बरेलवी, पढ़ाने हाँ वाले बरेलवी, अमल हाँ करने वाले बरेलवी, अकीदा बनाने वाले बरेलवी, और इन सब बातों का दिफा करने वाले बरेलवी, अहले सुन्नत तो अच्छा अहले हदीस का इनसे कोई लेना देना पेज मतलब मलफूजा तो पेज नंबर 283 पर है ये बाकी। नहीं। पेज नंबर भाई 283, 284, ठीक। अब ये अच्छा मेरे भाई आप जो मलफूजात आला हजरत भाई को देंगे उसमें ये बात मौजूद होगी, पेज नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए। आगे पीछे हो जाए। हाँ ऐसा होता है। तो भाई अब ये आप खुद सोच लीजिए, पीर बाबा मरने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ठीक आ नहीं आ रहे। है, हाँ अब इसको आम तौर पे हम क्या कहेंगे भाई कि भाई अपनी मजार के अंदर से औरतें सप्लाई कर रहा हाँ है ना? हाँ और मलफूजात लिखी आला हजरत ने। मलफूजात आला हजरत बरेलियों की भाई किताब है, और सीधी बात हाँ तो ये है कि कनीज पसंद है, तो पीर बाबा ये भी कह सकते थे कि जाओ तुम्हें पसंद है, जाओ इससे तुम शादी कर लो, निकाह कर लो। वो हाँ कुछ हाँ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हाँ हैं मतलब जो ये कनीज है मैंने तुम्हें तोहफे में दे दी, हिबा कर दिया, हाँ जाओ हुजरे में जो करना है अपनी हाजत कर पूरी कर लो, लो। अब हाँ देर काहेगी। तो मेरे हाँ भाई क्या है भाई, अब अगर ऐसे पीर होंगे तो मानने वाले भाई जो मुरीद होंगे वो कहाँ अल्लाह से मांगेंगे डायरेक्ट, हाँ वो और तो कहेंगे क्या। अल्लाह से मांगेंगे तो कनीज भी हमको नहीं मिलेगी, तो इससे अच्छा है भैया पीर बाबा की उर्स में जाओ, आराम से अपनी हाजत पूरी करो। इतना गंदा अकीदा रखते हैं ये बरेलवी, इतना गंदा अकीदा।
वो जवाब नहीं। अरे इसका स्कैन भी आपको दे देंगे इंशाल्लाह ओरिजिनल, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दीजिए, आपको स्कैन भेज देते हैं। व्हाट्सएप पे हम अपना मतलब आपके इस नंबर पे मेरा आप अपना व्हाट्सएप नाम नंबर भेज है दीजिए, भेज इसी नंबर पे हमारा देंगे। व्हाट्सएप है, ठीक है। और हम ना और को हमें हमसे बोलता है कि हजरत पर सुनैद इनको बगदादी वाला नहीं जो हवाले वाकिया दे है। देंगे ओरिजिनल किताब के, इनके घर हाँ से मेरे भाई छपे हुए, ठीक हाँ भाई है, अगर रजवी किताब घर आपका से, कोई हाँ हमारे मेरे भाई नहीं है, रजवी हाँ किताब घर इनकी, मेरे भाई बरेलियों के एक भाई वो प्रेस है, उससे ये सब किताबें भाई छपती हैं, तो वहाँ इतने हवाले दे देंगे ना कि कोई बरेली आपके सामने टिक नहीं पाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ लेकिन या लेकिन तो वो बस अगर या तो आपका उनका साथ रहा साइन ना। करेगा भाई, हाँ हाँ दो चीजें वो लोग करेंगे, ये आपको पहले बता दे रहे, जो अक्सर हाँ होता है। पहला तो ये कि भैया ऐसा है, ये जो है ये तुम वहाबियों ने हमारी मतलब भाई किताबों में डाल दिया है, जो सबसे हाँ बड़ा झूठ है, ठीक। हाँ छापने वाले इनकी प्रिंटिंग प्रेस के, ठीक है, रजवी किताब घर वाले, वहाँ कोई वहाबी का उसमें कोई मेरे भाई हाथ नहीं है। और अगर दूसरी चीज कहेंगे ये कि जो ये है इसका माना ये है, क्योंकि हमारी आलिमों से बात हुई ना, उन्होंने बताया है, हाँ उन्होंने बताया ये है कि जो मुरीद है, ठीक हाँ है, वो हाँ कितना अच्छा था, वो शरीफ था, हाँ उसने पहले कनीज को देखा, देखते हाँ अपनी आंखों को नीचे कर लिया, यानी हाँ कि वो नेक था, और लेख था जो वो। इसके हाँ पीर थे, पीर ने सोचा कि इतना नेक है, उसने मतलब भाई वो मतलब अपने गुनाह से बचने के लिए उस कनीज को मतलब देखते अपनी आंखें नीचे कर ली, तो नीचे कर लो ली। मैं इसको, हाँ ये जो कनीज है इसकी इस अच्छाई पे नेकी पे मैं इसको तोहफे में दे देता हूँ। हाँ तो अब बताइए, ये इस तरीके से मतलब भाई दिफा करते हैं, मतलब अगर मैं हूँ, मैंने कोई औरत को देखा और अपनी आंखें नीचे कर ली, तो क्या पीर बाबा हमको वो औरत दे देंगे? ऐसा ही हो तो भैया ठीक है, कोई आदमी 4 दिन बाद आएगा, कैटरीना कैफ को देख के आंखें नीचे कर देगा, जाए उसके पीर बाबा कैटरीना कैफ उसको दे दे। अब वो पता कि अब वो हमसे बातों में हार गया है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। इनकी वो जो दिमाग है वो बौखला गया है कि हम हार कैसे गए। हम भाई मौलाना जगदीश की तकरीर 3 साल से सुन रहे हैं, 3 साल से। उनकी ऐसी कोई तकरीर है नहीं जो मिस नहीं ना हो अच्छा, और आप कौन हमारे है, पास हो तबलीगी ना। जमात है क्या? नहीं कट्टर सुन्नी है, TTS। भाई नहीं, आप कौन है? हम तो पहले बरेलवी थे लेकिन हमने जब से मतलब ये सुनना स्टार्ट किया है जर्जिस की तकरीर, जो जर्जिस है वही हम बनना चाहते हैं, एलएडी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अहले दिल बनने के लिए ना तो आपको मेरे भाई दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा ना कुछ, बस आपको थोड़ा अपना अकीदा जो हाँ हाँ जो मेरे भाई हाँ बिगाड़ है इतना मान लीजिए कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के हाँ सिवा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता, भाई और जब अल्लाह मैं सुभान कुफर व में तआला था ने ना कुरान में कह दिया है कि अगर अल्लाह तुम्हें किसी परेशानी में डाल दे तो सिवाय हाँ तो अल्लाह अल्लाह के निकाल कोई सकता है। उसको ठीक दूर नहीं कर सकता, ठीक। तो बस भाई इस बात पहले मैं कह रहा भाई पहले मैं इतना कट्टर बरेलवी था, इतना कट्टर TTS था कि हमारे यहाँ से एक मजार है मकनपुर शरीफ, तो वहां पे है हमारे घर से वो 35 किलोमीटर दूर है, तो हम अपने घर से पैदल गए थे 35 किलोमीटर दूर उनसे दुआ अच्छा, मांगने दम के लिए, मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। हाँ भाई इतने कट्टर बरेलवी थे वहां लेकिन जब से का हमने जो एक मतलब मदारी था मेरे से बात हुई थी, उन्होंने हाँ वो काबे का डुप्लीकेट माशाल्लाह मॉडल बना रखा है, तो हाँ हाँ बाकायदा उसका मतलब पूरा तवाफ वाफ होता है, तो मैंने मतलब जब उसका वीडियो देखा तो मैंने भाई पता किया, तो वहां का एक कोई वो मतलब बहुत बड़ा अल्लामा था, वो कहता था कि हाँ मदारी है, और हाँ आला हजरत को भी मतलब भाई वो उल्टा सीधा बोल रहा था, तो हम हाँ कंफ्यूज हो गए, हमने कहा यार ये आला हजरत को उल्टा सीधा बोल रहा है, बरेलवी तो है नहीं, तो इसने कहा हम हाँ बरेलवी नहीं है, मदारी है, जिंदा मदार शाह बाबा के मानने वाले। हाँ और फिर मतलब बकायदा गाना वाना गाने लगा, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, हाँ हमने हाँ भाई ये क्या हाँ मदार क्या है, कह रहे हम जिंदा शाह मदार बाबा के मानने वाले मदारी हैं। तो मैंने कहा अगर आप मदारी हैं तो आपका बंदर कहाँ है, तो मतलब गाली दे के फोन काट के भाग गया, उस दिन से उसने फोन नहीं हाँ उठाया, हम ऐसा क्या बता है रहा ये। इनकी इनकी आदतें ऐसी हैं। सवाल अच्छा, कहाँ पे पूछो ये? कानपुर से 25 किलोमीटर दूर है मतनपुरवा। मकनपुर शरीफ। हाँ मकनपुर शरीफ
नाम सुन लो, कसम शरीफ। कानपुर में, कानपुर से 30 किलोमीटर की दूर पर हमारा एक एरिया है शिवराजपुर, वहां पे हम रहते हैं शिवराजपुर में। तो शिवराजपुर से 35 किलोमीटर दूर पर है मकनपुर चलिए। यानी कि एक मेरे भैया पूरे यूपी में फेमस है बरेली शरीफ, अब दूसरा हाँ एक और शरीफ आ गया ये मतनपुर शरीफ। मकनपुर, मकनपुर शरीफ। और इतनी चलो अभी देखो बेतहाशा भीड़ कयामत तक होती है कितने मेले में, शरीफ बन जाते हैं ये लोग, कितने कितने शरीफ से बनते तो हैं, सारे ही शरीफ बदमाशी थे। वाले काम करते हैं और लगा देते हैं शरीफ शरीफ शरीफ। हमें समय सिर्फ 3 शरीफ पता है, कुरान शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ तक, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। चौथा हदीस हम बता दे रहे हैं ठीक है, हदीस शरीफ। शरीफ। लेकिन हमने बताया आपने, हमने जब हम आपसे इतना जुड़े रहेंगे, लेकिन हमने जो जज्जिस की एक बात सुनी थी, जब कोई सुन्नी अहले हदीस बनता है तो उसे इतनी जानकारी हो जाती है कि वो सामने वाले की नाक में दम कर देता है, बाल की खाल निकाल देता है। वही हम कर रहे हैं कि हमें हमारे सवालों का जवाब तो हम मुतमईन नहीं हो रहे हैं, वही अरे भाई कोई सर है। मुतमईन नहीं होगा ना, अब अगर हाँ अंधविश्वास अंधेपन में अगर किसी की बात मानना है तो बात अलग है, लेकिन वाकई अगर हाँ आदमी दिल दिमाग से इत्मीनान से बैठ के सोचेगा कि यार ये कैसे पीर बाबा है भाई, मतलब और पीर हमने बाबा मरने के बावजूद पहली चीज तो उनका ये इख्तियार नहीं है, मरने के बाद वो आलमे बरजक में, इस दुनिया वालों से उनकी कोई बातचीत मेरे भाई बंद है। ठीक, अब यहाँ तो बातचीत तो छोड़िए, बाकायदा मेरे भाई कबर के अंदर वाला पीर अपने मानने वाले भाई जो उसके बहुत बड़े मुरीद हैं उनको लड़की तोहफे में दे रहा है। हाँ अरे लड़की कोई तोहफे में देने वाली चीज है? ये सब इतने इतना इनके मसलक में गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है मसलक में, इसका कोई जवाब नहीं, कोई सीमा ही नहीं। और जब बस क्या बस वो है और मीठा टीम पे गजब दगा कड़वा रसूल, करेंगे कि वो जर्दी संसारी, वो रेपिस्ट और बलात्कारी, पता नहीं भैया कितनों हाँ, हमसे भी कल ने सवाल मतलब हुए थे, कल हमसे टोक सवाल भी हुए लगे थे भाई कि बरेली तुम में अम्मा बताओ। का, अम्मा का नहीं बलात्कार कर दिया जो मतलब जबरदस्ती उनको मतलब भाई वो बलात्कारी और रेपिस्ट और वो जर्दीस्ट तो झूठा है मक्कार है, उसने किताब का नाम लिया था सीरत गौसे पाक, आज तक किताब नहीं दिखाया हमने वाली भाई जो किताब थी हमने भाई अपने चैनल पर डाल दी, अच्छा यूट्यूब पे हमने हाँ वाली हाँ किताब का पीडीएफ भी डाल दिया और उसका वीडियो भी डाल दिया, ये सब फर्जी चैलेंज करते हैं और हमने कहते हैं कहा आज तक सुन्नियों से कोई वहाबी मतलब जीत नहीं पाया। अरे भाई हाँ जीतेगा कैसे, अब एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा ठीक है, हाँ एक मेरे भाई गांव में एक मतलब आदमी होता है वो जाता है हाँ अपनी बीवी के पास और हाँ कहता है 100 रुपये लाओ, हमने गांव वालों से लगाई ये शर्त कि दो हाँ भाई 2 जमा 2 5 होते हाँ हैं, तो बीवी ने कहा नहीं मैं 100 रुपये नहीं दूंगी क्योंकि 2 जमा 2 4 होते हैं आप हार हाँ जाओगे, तो वो बोला अरे बेगम तू पागल है क्या, मैं हारूंगा तो तब जब मैं मानूंगा ना, मैं ये मानूंगा नहीं कि भाई जो 2 और 2 4 होते हैं, हम तो यही कहेंगे 2 और 2 5 होते हैं, तो जब मैं उनकी मानूंगा नहीं तो हारूंगा नहीं तो 100 रुपये मैं कैसे उनको दूंगा, तो यही हाल मेरे भाई बरेलियों का है, वो जब भी बात करने आते हैं वही सोच के आते हैं हमको मानना ही नहीं है, हम मानने नहीं तो है। जब मानना ही नहीं तो हार जीत क्या फायदा, पहले हमने कल आपके के एक ऑडियो मुनाजरे जो होते थे सलफ के वो होते थे हदीसों की बुनियाद पे, एक दूसरे का भाई अदब होता था, एहतराम होता था, मोहब्बत होती थी, वो अपने अमल के ऊपर हदीस पेश करते थे, वो अपने अमल के ऊपर हदीस पेश करते थे, दोनों हदीसों को देखा जाता था कि कौन सी जो भाई हदीस से ज्यादा मोतबर है, जो ज्यादा मोतबर साबित होती थी दोनों उस पे अमल करते थे, ये था सलफ सॉलिन का भाई बातचीत करने का अंदाज, मुनाजरा इसको शरीयत में बोलते हैं मुनाजरा, ये झोला छाप अपने अकाबिरों का और पीर बाबाओं का और मतलब बुजुर्गों का दिफा करने के लिए आ जाते हैं और बस तावील करना स्टार्ट कर देते हैं और जब देखते हैं कि हम अटक गए फंस गए हैं तो कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है मना है, इनकी सबसे बड़ी भाई जो दलील है वो ये है कि कहाँ लिखा है मना है, हाँ समझ रहे हैं भाई, इनको ये नहीं मालूम है कि जिसका दावा होता है उसकी मेरे भाई होती है दलील, अगर हम दावा कर रहे हैं कि भाई
दीन इस्लाम में 5 टाइम की नमाज फर्ज है, तो अब हाँ इसकी दलील हमको देना है, तुम्हें देना है। ठीक। हाँ अगर हाँ इनका दावा ये है कि हम जो ये भाई ये कुंडे की नियाज है, ग्यारहवीं की नियाज है, ये भाई हाँ दीन है, तो दावा इनका है तो ये दलील देंगे कि अल्लाह के नबी ने कब भाई कुंडे मनाया, ग्यारहवीं मनाई, सहाबा इकराम ने भाई कब मनाया, यहाँ हाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला ने कब मनाया, तो ये दावा इनका है तो दलील इनको देना है। लेकिन ये हाँ जानते हैं कि हमको मौत आ जाएगी, लेकिन भाई हम कभी दलील दे नहीं पाएंगे, तो उल्टा हमसे भाई पूछेंगे कि कहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मना है, कहाँ फरमाया कि उल्टा कुंडे पूछते ना हैं। मनाओ, हाँ कहाँ फरमाया कि मतलब भाई ये ग्यारहवीं ना मनाओ। अरे उल्टा भाई, पूछते हैं। हाँ जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि दीन में हर वो नया काम, ठीक, अगर कोई इजाद करता है तो वो बदतरीन अमल है, और भाई वो हाँ बिदत है, और कुल्लु हाँ बिदतिन जलाला के तहत भाई वो हर बिदत भाई वो गुमराही है, और हर हाँ गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है, तो जितने नए नए काम आप भाई इजाद कर लो, तो वो क्या कहेंगे, मस्जिद में जो पंखा लगाते हो तो ये कहाँ से साबित है, मस्जिद में एसी फालतू लगाते हो सवाल। कहाँ से साबित है। हाँ फालतू अरे सवाल पंखा पूछ रहे एसी हैं। हम दीन में तो ना लगा रहे हैं, मस्जिद में अगर पंखा है तो भाई 5 टाइम की तो नमाज हो रही है, 50 टाइम की तो हो नहीं रही है। हाँ अगर ऐसा हो कि नहीं मस्जिद में हमने पंखा टांग दिया तो भाई 50 टाइम की नमाज हो रही है मस्जिद में, तो हम कहेंगे बिदत है पंखा लगाना। लेकिन पंखे से कोई फर्क नहीं पड़ना, दीन तो हमारा हाँ हो असल चाहे ना मस्जिद हो। ही है ना। हाँ तो बेचारे इनकी मत मारी गई है, और इंशाल्लाह ये बात बिल्कुल आपने एकदम ठीक कही कि जब इंसान मेरे भाई जो ये उनका जो भाई ये बातिल अकायद वाला जो मतलब अकीदा है धर्म है बरेलवी, उससे तौबा करके जब भाई वो किताबो सुन्नत पे आता है, हाँ तो वाकई भाई उसको बड़ा अफसोस होता है कि हम इतने साल हम थे क्या यार, क्या सही कर बात है। रहे हमें थे बड़ा अफसोस हुआ है। हम, क्या हाँ क्या कर रहे हम थे बाप क्या नहीं। दादाओं के दीन पे चल रहे थे और जबरदस्ती का मतलब दिफा कर रहे थे, और हमारे उलमाओं और आलिमों ने तो कहा था वहाबियों से दूर रहना, उनकी बात ना सुनना, अच्छा इसीलिए रोकते थे क्योंकि उनकी बात सुनेंगे तो हमारे भाई समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए हाँ हाँ हमारे और बड़े क्या। लोग हमको रोकते थे कि इनसे दूर रहो, इनसे दोस्ती हाँ ना रखो, इनको दावत पे ना बुलाओ, इनके पीछे नमाज ना पढ़ो। मतलब एक बरेलवी हनफी वो दूसरे भाई हनफी मतलब देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेगा तो उसका हाँ निकाह टूटा जा रहा है। निकाह टूटा जा रहा है। हाँ अरे ये कह दो कि हमारी भाई उसके पीछे नमाज नहीं हुई, चलो ये भी मतलब समझ में आता है, हालांकि हो जाएगी, इतना कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कहना भी है तो ये कहो कि भैया हमारी बरेलियों की नमाज देवबंदियों के पीछे नहीं होती है, ये समझ में आता है। हमारा मतलब भाई वो मतलब टूट जाता है, निकाह टूट जाता है, पूरे के पूरे गांव ने एक बार एक देवबंदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली तो पूरे गांव का हाँ निकाह टूट गया। अब सारी औरतें परेशान, लो हमारा तो निकाह टूट गया, हमारे जो औलादे हुई हैं वो तो मतलब भाई सारी की हराम सारी की पैदा हरामी हो गया। साबित हो गई, तो खुद ही ये लोग मेरे पे थकवाते हैं। हाँ खुद ही अकीदा बनाते खुद ही फंस जाते हैं। और जुमला कितना अच्छा है, हम इसलिए उनके पीछे हमारा निकाह टूट जाता है नमाज पढ़ने से क्योंकि वो नबी के बहुत बड़े गुस्ताख हैं। अब गुस्ताखी क्या है, अगर कोई भाई ये बोल दे कि इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के हाँ सिवा भाई किसी को इल्मे गैब नहीं है, तो ये उनके हिसाब से अल्लाह की नबी की शान में भाई क्या है, गुस्ताखी। अगर कोई भाई ये बोल दे कि अल्लाह के नबी इंसान से बशर थे, तो उनके हिसाब से हो जाएगी नबी की शान में तौहीन, क्योंकि उनके हिसाब से अल्लाह के नबी नूरी मखलूक है। अगर कोई भाई ये कह दे कि अल्लाह के नबी का साया था, अल्लाह के नबी की बीवी ने अपनी आँख से देखा, तो ये हाँ कहेंगे नहीं अल्लाह के नबी का साया नहीं था, तो माज अल्लाह अल्लाह के नबी की शान में तौहीन कर रहे हो। अगर कोई इनसे हाँ कह हाँ दे कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो सही बुखारी की हदीस से, हदीस नंबर 631, तो ये कहेंगे तुम नबी की तरह बनोगे, तुम नबी के जैसा बनना चाहते हो, माज अल्लाह तौबा तौबा नबी के गुस्ताख हो गए। तो कुल मिला के इनके नजदीक गुस्ताखी तो अल्लाह ही बेहतर जाना, नबी को हाँ अगर हमने उम्मी बोल दिया, माज अल्लाह नबी को उम्मी तो गुस्ताख बोलता हो है गए तो मेरे मेरे भाई पर जो बोल रहा है गुस्ताख ले। हो गए, हाँ तो
जो बातें हाँ कुरान हदीस में आई हैं अगर वो हमने हाँ बोल दिया तो हम मेरे भैया बरेलियों के नजदीक हम दुनिया के सबसे बड़े काफिर और गुस्ताख और नदी और वहाबड़े और 24 नंबर और 25 नंबर और 26 नंबर पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या बना देंगे। ऐसे ही हमने कल आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें आप पूछ रहे थे कि अल्लाह के नबी के नाम बताओ, कितने नाम हैं। तो वो बोल रहा था कि मैं गुस्ताखे रसूल को नाम नहीं बताऊंगा। ये कोई बात रही? अरे भाई पता होगा तो बताएगा ना। अब हाँ, हमने हमने भाई मैंने आपकी एक बार अफवाही। एलवी से कहा मेरे भाई कुरान हदीस पे चलो, तो कह रहे माज अल्लाह गुस्ताखी कर दी, कुरान हदीस पे चलने की बात कर रहा है, कुरान हदीस पे तुम मतलब भाई जूता पहन के चलेगा चप्पल पहन के चलेगा। अब अरे ये बताओ। जाहिलों की पस्ती है, जाहिलों अब की। भाई मैं ये कहना जाहिल चाह रहा था कुरान हदीस पे चलो यानी कि उसको फॉलो करो, अब फॉलो उसने करो। कयास हाँ लगा लिया कि मतलब चलने का माना ये कि जमीन में रख के चप्पल जूता पहन के चलो माज अल्लाह। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं भाई, जिसकी जितनी अकल होगी उतनी तो बात नहीं बात करेगा। करेगा। हाँ और ये तो जानते बंदे सब मुकल्लिद हैं है ना। हाँ जब इनके पास मेरे भाई हक आता है ना तो थोड़ी हाँ देर के लिए मतलब ये मतलब चौंकते हैं छटपटाते हैं कि यार बात तो सही है, लेकिन फिर वही चीज कि क्या हमारे बाप दादा गलत थे, क्या हमारे इतने बड़े आलिम क्या मेरे भाई गलत थे क्या, और हाँ हमारी मस्जिद वाले क्या इतने लोग जो आते हैं सब गलत हैं क्या। तो ये वो हाँ बेचारा मतलब जो जनता दल पार्टी है उसमें अटक जाता है। ठीक और हम है जा हाँ और जब हमने उसका जवाब दिया कि आप बोल रहे हैं कि रेपिस्ट से मरना जर्जीज, चलो वो वहीं छोड़ दो, तुम अपनी मलफूजात में आओ। अहमद सजल दवासी की दो बीवियां थीं, वाकया सुना है? हाँ हाँ सुना है। उन्हें मलफूजात में लिखा है बाकिया अहमद सजल दवासी की दो बीवियां थीं और हाँ, एक सो दो रही थी बीवियां और एक लड़ रही थी, थी। वो हाँ पीर बाबा जाते हैं लाइव टेलीकास्ट आपके रिकॉर्ड देखते ब्लू हैं। तो क्लिप हमने कहा देखते हैं भाई तो हमने पीर कहा किधर बाबा भी इनके वहाँ मतलब ब्लू क्लिप देखते हैं, वो भी किसी और देखते के जो हैं। मुरीद थी अपनी, हाँ तो सही ये क्या है बात मेरे है। भाई। तो हमने कहा बताओ जो देख रहा है उसके लिए क्या तुम बताओ, मतलब सजा मुतय्यन करोगे? नहीं तो इसका बोलते ये हैं माना उन्होंने उन्होंने बताया, देखिए उनके पास जवाब सारे हैं, भले ही वो जवाब हाँ मेरे भाई इंसान की अकल में ना आए ना वो हाँ दीन इस्लाम में आए, लेकिन जवाब हाँ तो भाई उनके पास ही है। वो ये कहते हैं इसका माना ये है कि जहाँ पे होता है मुरीद वही पीर उसके साथ ही रहता है, तो इतनी हमने दोनों तो में मतलब एक हाँ मतलब वो गहरा कनेक्शन होता है कि जहाँ गहरा मुरीद होगा कनेक्शन। वहां पे पीर हाँ होगा, वही यानी पीर कि होगा। माजल्ला। अब वो क्या करते हैं अल्लाह की शान में भाई तौहीन करते हैं, जैसे आप अपनी बीवी के साथ रात को क्या कर रहे हो अल्लाह तो सब जानता है ना, तो क्या हाँ माशाल्लाह हाँ अल्लाह ताला को हाँ आप मतलब अल्लाह ताला के आपको ऐसा अमल करते हुए देख रहा है माशाल्लाह। तो ये अब अपने पीर बाबा को बचाने के लिए अल्लाह की शान में तौहीन करते हैं, तो ताकि करते हैं। हाँ यही बात है भाई। यही जब हमारे भाई शेख ने कहा था कि मेरे भाई जब इतना सैलाब आया तो पीर बाबा ने काहे नहीं बचा लिया, तो फारूक खान हाँ लैपटॉप बाबा ने कहा कि मदीना में मक्का में मतलब कुछ कह रहा था कि मतलब तूफान आया सैलाब आया तो हाँ अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, अब फारूक खान बताइए। रिजवी। हाँ फारूक खान रिजवी ना, हम तो लेकर जब इंसान ये सोच लेता है कि हमें पीर बाबा को बचाना है चाहे उसके लिए अल्लाह की शान में तौहीन क्यों ना करना पड़े हम कर देंगे, तो अब ऐसे लोगों से क्या हम उम्मीद रखें, हमने यही मक्का के अहमद मुशरिक सजल और आज दवासी। के बरेलवी हाँ मेरे भाई बिल्कुल सेम है। बराबर है। हाँ और अहमद सजल दवासी का जो वाकया था वो मतलब शेख मिराज रब्बानी ने बयान किया था उसका जवाब। तो शेख मिराज रब्बानी बोलते हैं कि पीर से मुरीद की जुदाई इतनी भी क्यों, उसी रजा में घुसर दिया होता। ऐसे बोले थे। सही नहीं तो भाई सही बात है, लॉजिकल बात बात है। है हाँ कि बिल्कुल भाई सही पीर बात है। इतनी जुदाई क्यों यार। बाबा वो अपनी दूसरी बीवी के साथ जो मतलब उनके मानने वाले थे मुरीद वो अपनी दूसरी बीवी के साथ थे लगे हुए थे, और पीर हाँ बाबा चारपाई से देख रहे थे देख रहे थे। हाँ और उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो दूसरी बीवी थी वो भी मतलब भाई देख रही थी, तो उसने कहा नहीं वो हाँ तो सो रही थी, उन्होंने कहा नहीं वो सो नहीं रही थी सोते में जान डाली थी हाँ सोते यानी कि सब देख हुए रही देख थी। रही तो थी। हाँ बात समझ में आता चलो वो उनकी फैमिली का मैटर है, वो क्या हो रहा क्या हो रहा, तुम क्यों देख रहे थे और तुम क्यों तुमको देख रहे अपनी थे और कब्र के क्या अंदर होना चाहिए या मुरीद की चारपाई क्यों होना चाहिए, और क्या। मतलब मरने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो।
दूसरों की और मेरी भाई सही प्राइवेसी में ताक झांक करना कितना बड़ा भाई ये गुनाह है। बात है। अगर और कोई हमने किसी के घर मतलब में झांकता है ना, तो मेरे हाँ भाई उसके लिए ये है कि उसकी आंखों को निकाल लिया जाए, आंखों निकाल लिया जाए। हाँ और जब ये सब मूसा काम अलैहि होते सलाम हैं के तो ताबूत फरिश्ते से भी वो आता कमरा है छोड़ देते कि मूसा अलैहि हैं। सलाम भाई अपने उसमें थे कमरे में, तो जो मौत का मतलब भाई आते फरिश्ता मतलब वो इंसान के उसमें आता है रूप में, हाँ। तो मतलब भाई वो मतलब झांक रहा होता है तो मूसा अलैहि सलाम उसके मुक्का मार देते हैं, हाँ। उसकी आंखें निकल आती है। कहते हाँ। तो तुमने मतलब भाई झांका कैसे, तो वो कहता है हाँ। कि और नहीं क्या। मैं मतलब ये हूँ मलिकुल मौत हूँ और मैं लेने आया हूँ अल्लाह से ले जाए। तब फिर वो कहता है अच्छा चलो, तो अब बताइए मूसा अलैहि सलाम ने फरिश्ते को मार दिया ठीक, तो ये इनके ऐसे पीर बाबा अगर हम मतलब भाई अगर हमारे पास आ जाए ना रात को देखने, हम तो वाकई ऐसा मुक्का मारे कि वापस अभी भी उनके मजार के अंदर चला जाए। ठीक है भाई। और हम अपना मतलब जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हम आपके लिए एसएमएस कर दे रहे, तो आप में ऐड कर लीजिएगा। ओके भाई ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।